This is your mother. Your father. What if we need a fierce then? To live another's dread vicariously? Amen. What is your strongest memory of feeling fear? I was there no more than 10 minutes. Before some boy asked me what was wrong with my face. Concussion left me deaf for 3 years. You live with the notion that the thing that causes you the most terror could come back at any time. My dad worked at a meatpacking plant. I'd listen to his boots walk to my bedroom door. I can hardly stand to look at a piece of meat now. This was never about a school assignment! Please! Madness, it must be, right? This is on every TV across campus. I just wanted you to see the next phase of my study. This is where the dread begins. Can you hear me? This is where the dread begins. Get away with that! Where is she? I'll let you get away with that! See how hungry you have to be to get through that. तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ड्रेड मूवी को, जो एक हॉरर स्लैशर फिल्म है। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी और इसकी रेटिंग्स है 5.7 आउट ऑफ 10। तो चलिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी स्टार्ट होती है स्टेफन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो एक कॉलेज स्टूडेंट होता है, और वो मिलता है क्वेड नाम के एक दूसरे स्टूडेंट से। और स्टेफन और क्वेड दोनों ही एक स्कूल में फियर स्टडी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। उनके प्रोजेक्ट का मोटिव होता है ये जानना कि लोगों को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है और उस डर पर काबू कैसे पाया जा सकता है। अब क्वेड स्टेफन से पूछता है कि उसे सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है, और स्टेफन बोलता है कि उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत हार्ड और रफ रही है। अब क्वेड स्टेफन से उसकी लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस पूछता है, और स्टेफन बताता है कि बहुत पहले उसका भाई कार एक्सीडेंट में मारा गया था, और ये ही उसके लिए एक वर्स्ट चीज़ है। अब क्वेड घर जाता है, जहाँ पर वो कुछ पिल्स लेता है, और अब क्वेड अपने बचपन की मेमोरीज़ को याद करता है, और सीन भी पास्ट में उसके बचपन में चले जाता है। अब हमें क्वेड की फैमिली को दिखाते हैं, जो बहुत ज़्यादा खुश होती है। बट एक रात एक अननोन आदमी क्वेड के घर पे हेल्प मांगने के लिए आता है। अब क्वेड के पापा जब दरवाज़ा खोलते हैं, तो वो आदमी क्वेड के पापा को एक कुल्हाड़ी से मार डालता है, और फिर वो आदमी घर में घुस जाता है, जहाँ पे वो क्वेड की मम सैरा को भी एक कुल्हाड़ी से मार डालता है, और हर जगह खून ही खून हो जाता है। अब वो आदमी क्वेड को देख लेता है, और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है, बट क्वेड भी भागता है, और एंड में जब वो क्वेड को मारने ही वाला होता है, उस कुल्हाड़ी से सीन कट हो जाता है और वापस प्रेजेंट पे शिफ्ट हो जाता है। अब जो बचपन में क्वेड के साथ ये हादसा हुआ था, ये ही उसकी वर्स्ट नाइटमेयर थी, और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरता था। और क्वेड बड़ा होने के बाद इसी घटना की वजह से एक साइकोपैथ बन चुका था, और इसलिए अपने साइकोपैथिक नेचर को दबाने के लिए वो पिल्स लेता था, जो हमें अभी दिखाया गया है इस मूवी में। अब नेक्स्ट डे कॉलेज में हमें स्टेफन को दिखाते हैं, जो एबी नाम की एक लड़की से बात कर रहा होता है, और एबी के मुंह पे एक बहुत बड़ा बर्थ मार्क होता है, जिस पे क्वेड आकर कमेंट करता है, और वो एबी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे क्वेड स्टेफन को अपने घर पे इनवाइट करके जाता है, क्योंकि उसे प्रोजेक्ट के बारे में उससे कुछ बात करनी थी। अब रात में स्टेफन क्वेड के घर जाता है, जहाँ पे वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने फियर प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेंगे, और ये पता लगाएंगे कि उनके वर्स्ट फियर क्या हैं और उन्हें कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अब वो रात को सेलिब्रेट करते हैं, और नेक्स्ट डे स्टेफन शेरिल नाम की एक लड़की को उनके प्रोजेक्ट एडिटिंग के लिए पूछता है, और शेरिल मान जाती है।
अब क्वेड, स्टेफिन और शेरिल प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जहां वो एक एक करके वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं और उनके वर्स्ट फियर को पता लगाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में स्टेफिन और शेरिल डिनर कर रहे होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि शेरिल को मीट बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब डिनर के बाद शेरिल और स्टेफिन जाते हैं क्वेड के घर, जहाँ पे क्वेड इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग्स देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि किसी भी इंसान ने उन्हें ऐसी कोई भी फियर के बारे में नहीं बताया था जिस पे वो रिसर्च कर सके। अब क्वेड स्टेफिन से उसकी घड़ी छीन लेता है और उसे तोड़ देता है, ये देखने के लिए कि स्टेफिन उस घड़ी के बिना क्या रिएक्ट करेगा। और अब स्टेफिन और क्वेड लड़ने लगते हैं और शेरिल उन्हें रोकती है। अब शेरिल बोलती है कि तुम सब अब मेरा इंटरव्यू लो, और अब इंटरव्यू देती है शेरिल और वो अपना वर्स्ट फियर बताती है। शेरिल बताती है कि जब वो छोटी थी तो रात के टाइम जब उसके पापा काम से घर आते थे तो वो शेरिल को फिजिकली मोलेस्ट करते थे, क्योंकि उसके पापा एक मीट पैकिंग स्टोर में काम करते थे इसलिए उनके अंदर से मीट की स्मेल आती थी। और जितने टाइम तक वो फिजिकली मोलेस्ट करते थे शेरिल को भी वही स्मेल सूंघनी पड़ती थी, और इसलिए ही अब शेरिल को मीट बिल्कुल नहीं पसंद, वो उसकी स्मेल से भी नफरत करती है और ये उसकी वर्स्ट नाइटमेयर है। अब शेरिल का ये फियर सुनकर क्वेड खुश हो जाता है और अब स्टेफिन और शेरिल क्वेड को उसका फियर बताने को बोलते हैं, बट वो कैमरा बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि क्वेड अपने फियर को फेस नहीं करना चाहता था। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि क्वेड अपनी सारी दवाइयाँ फेंक देता है, जिससे अब होगा क्या कि जो क्वेड का साइकोपैटिक नेचर है वो उस पर हावी होने लगेगा। अब क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी तो स्टेफिन रुकता है क्वेड के घर, जहाँ पे रात के टाइम क्वेड को एक सपना आता है जिसमें वो अननोन आदमी उसके पेरेंट्स की बॉडी को टुकड़ों में काट रहा होता है। अब वो नींद में चिल्लाता है और स्टेफिन आकर उसे जगा देता है। अब स्टेफिन क्वेड से पूछता है उसके वर्स्ट फियर के बारे में और क्वेड स्टेफिन को बता देता है अपने बचपन के इंसिडेंट के बारे में, और स्टेफिन भी क्वेड को बता देता है कि जब से उसका भाई की डेथ हुई है जब से ही उसे कार चलाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और यहाँ पे वो दोनों अपने वर्स्ट फियर को एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में क्वेड स्टेफिन के लिए एक कार खरीद के ले आता है, और ये सब स्टेफिन को काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि क्वेड जानता था कि स्टेफिन को कार से डर लगता है और फिर भी क्वेड जबरदस्ती स्टेफिन को उसके फियर में धकेल रहा था। अब आज शेरिल, क्वेड और स्टेफिन इंटरव्यू लेते हैं जोशुआ नाम के एक लड़के का, जो बताता है कि उसकी वर्स्ट नाइटमेयर है कि वो दोबारा बहरा ना हो जाए। मतलब जब जोशुआ छोटा था तो एक कार एक्सीडेंट के बाद वो 3 साल के लिए बहरा हो गया था, और जब से ही वो इस बात से डरता है कि वो बहरा फिर से ना हो जाए, और ये स्टोरी भी क्वेड को अच्छी लगती है। अब नेक्स्ट सीन में क्वेड जाता है एक स्ट्रिप क्लब में, जहाँ पे उसे दिखता है वो ही मर्डरर, और फिर अचानक से ही उसे अपनी टेबल पे खून ही खून दिखने लगता है, और जो स्ट्रिप क्लब की स्ट्रिपर होती है उसकी बॉडी अपने आप ही कटने लगती है, और ये सब देखकर क्वेड डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। ये सब क्वेड के साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि वो अपनी दवाइयाँ नहीं ले रहा था और अब उसका डर उस पर हावी होने लग गया था और उसका साइकोपैथिक नेचर उस पर सामने आने लग गया था। अब नेक्स्ट डे स्टेफिन को स्कूल में एबी मिलती है, जो उसे उसके घर अकेले आने के लिए बोलती है, और एबी बोलती है कि वो स्टेफिन को उसके स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू देना चाहती है। अब स्टेफिन जाता है एबी के घर, जहाँ पे वो उसे बताती है कि कैसे लाइफ में सब ने एबी को मेंटली परेशान किया है उसके बर्थमार्क को लेकर, जो उसके मुंह पे ही नहीं उसकी पूरी बॉडी पे है, और यही उसकी वर्स्ट नाइटमेयर है कि कोई उसे उसके बर्थमार्क के साथ ना देखे। एबी को खुद की ही बॉडी से नफरत होती है। अब एबी स्टेफिन को किस करने की कोशिश करती है, बट स्टेफिन उसे रोक देता है क्योंकि उसको शेरिल के लिए फीलिंग्स आ गई थी। अब एबी को लगता है कि स्टेफिन ने भी उसे बर्थ मार्क की वजह से रिजेक्ट कर दिया, और एबी स्टेफिन पे गुस्सा करती है और स्टेफिन को वहां से जाने के लिए बोलती है। अब बाद में क्वेड एबी के घर कैमरे लेने के लिए जाता है, क्योंकि जो स्टेफन होता है वो एबी के घर कैमरे छोड़ आया था। अब क्वेड एबी को अपनी मीठी मीठी बातों में फुसला लेता है एंड देन दे बोथ मेक आउट, और दूसरी तरफ स्टेफिन अपने कार के डर पे काबू पा लेता है और उसका और शेरिल का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ अब क्वेड के नाइटमेयर बढ़ते ही जा रहे थे और उसका साइकोपैथिक नेचर उस पर हावी हो गया था।
अब नेक्स्ट डे वो एक लड़की का इंटरव्यू लेते हैं और यहाँ पे इंटरव्यू लेते वक्त क्यूएट को पता चल जाता है कि जो वो लड़की अपने वर्स्ट नाइटमेयर के बारे में बोल रही है वो सब झूठ बोल रही है। और फिर क्यूएट उस पर अटैक कर देता है और उस लड़की को घर से निकाल देता है। अब शेरिल क्यूएट पे गुस्सा करती है और बोलती है कि उसे एक स्कूल प्रोजेक्ट के चक्कर में जेल नहीं जाना। और अब क्यूएट बोलता है कि ये बस एक स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है। और फिर वो बिल्कुल पागल हो जाता है और कैमरे, कंप्यूटर और सब कुछ तोड़ देता है। और फिर शेरिल और स्टेफेन वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे स्टेफेन को स्कूल में पता चलता है कि क्यूएट ने उनका प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है और उन्हें ए नेगेटिव ग्रेड मिला है। अब स्कूल में स्टेफेन को क्यूएट मिलता है जो अपने बुरे बर्ताव के लिए उसे माफ़ी मांगता है। और फिर क्यूएट स्टेफेन को अपनी कार में बिठा लेता है। अब क्यूएट पूरा पागल होने लगा था और वो कार को लिमिट से ज़्यादा तेज़ी से ड्राइव करने लगता है। और अब स्टेफेन डरने लगता है और बोलता है कार रोकने के लिए। और क्यूएट कार की स्पीड बढ़ाता ही जाता है और स्टेफेन को बोलता है अपने डर पर काबू पाने के लिए। और स्टेफेन डरता ही जाता है। और जब कार दीवार से टकराने वाली होती है तो क्यूएट कार को रोक देता है और स्टेफेन कार से निकलकर बाहर भागता है और क्यूएट को बुरा भला बोल के वहां से गुस्से में निकल जाता है। अब हमें शेरिल को दिखाते हैं जो जाती है क्यूएट के घर अपनी हार्ड ड्राइव्स लेने के लिए, जहाँ पे वो टूटे कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव्स ले रही होती है। बट तभी वहाँ का बल्ब खराब हो जाता है। अब घर में स्पेयर बल्ब ढूंढते ढूंढते शेरिल को एक हिडन रूम मिलता है जिसमें वो चली जाती है, जहाँ उसे क्यूएट की ड्रॉ करी हुई पेंटिंग्स दिखती हैं जो क्यूएट का साइकोपैथिक नेचर डिपिक्ट कर रही थी। और तभी घर में क्यूएट आ जाता है और वो शेरिल को उस रूम में देख लेता है। अब क्यूएट शेरिल से बोलता है कि मुझसे पूछो कि आखिर मुझे क्या चाहिए। और जब शेरिल से ये पूछती है तो क्यूएट बोलता है कि उसे अपने प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। और सीन कट हो जाता है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे स्टेफेन शेरिल को कॉल करता है और हमें पता चलता है कि शेरिल वीकेंड से ही मिसिंग है। अब नेक्स्ट सीन में एबी और स्टेफेन नॉर्मली फ्रेंड्स की तरह बातें कर रहे होते हैं और तभी कैंपस के हर टीवी पे एबी की एक टेप चल जाती है जिसमें वो नेकेड होती है और सब लोग उसके बॉडी के बर्थमार्क देख लेते हैं। अब एबी को बहुत ज़्यादा शर्म आती है और वो घर भाग जाती है और स्टेफेन उसका पीछा करता है। अब हमें क्यूएट को दिखाते हैं जिसके घर पे जोशुआ आता है और क्यूएट ने जोशुआ को ये कह के घर बुलाया था कि उसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। बट क्यूएट जोशुआ के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। और जब जोशुआ को होश आता है तो क्यूएट ने उसके हाथ पैर बांध दिए थे। और फिर क्यूएट जोशुआ को बोलता है कि आज तुम अपने डर पर काबू पाओगे। और फिर क्यूएट एक गन से जोशुआ के दोनों कान के पास शूट करता है जिससे उसके कान के पर्दे फट जाते हैं और वो फिर से बहरा हो जाता है। अब क्यूएट जोशुआ को बेहोशी की हालत में कूड़ेदान के पास छोड़कर भाग जाता है। अब हमें एबी को दिखाते हैं जो इतना ज़्यादा उस वीडियो टेप से ह्यूमिलेट हो चुकी थी कि वो बाथटब में ब्लीच से बैठ के नहाने लगती है और वो अपने शरीर को रगड़ने लगती है ब्लीच से, जिससे उसके बर्थमार्क पूरी तरह छिल जाते हैं और जल जाते हैं और खून निकलने लगता है। और फिर एबी अधमरी हालत में पहुँच जाती है जहाँ पर स्टेफेन उसे आके बचा लेता है। अब जोशुआ को दिखाते हैं जिसे हॉस्पिटल में होश आता है और अब वो बहरा हो चुका था। और सेम हॉस्पिटल में एबी के साथ स्टेफेन को दिखाते हैं और अब क्योंकि स्टेफेन को पता होता है कि इस सब के पीछे क्यूएट है तो वो सीधा एक कुल्हाड़ी लेके उसके घर जाता है और जोशुआ स्टेफेन को जाते हुए देख लेता है। अब क्योंकि जोशुआ को लगता है कि स्टेफेन और क्यूएट मिले हुए हैं इसलिए जोशुआ स्टेफेन का पीछा करता है। अब स्टेफेन पहुंचता है क्यूएट के घर जहाँ पे वो क्यूएट पे उसी कुल्हाड़ी से हमला करता है और क्यूएट को लगता है कि वो मर्डरर उस पे हमला कर रहा है और इसलिए क्यूएट जाकर छुप जाता है। बट जब स्टेफेन उसे आवाज़ लगाता है तो क्यूएट समझ जाता है कि वो स्टेफेन है ना कि वो मर्डरर। और फिर क्यूएट एक गन लेके बाहर जाता है और स्टेफेन को सर पे मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब स्टेफेन को जब होश आता है तो क्यूएट ने उसके चेयर से हाथ पैर बांध दिए थे। और फिर जो क्यूएट होता है वो स्टेफेन को एक टेप दिखाता है जो होती है शेरिल के बारे में। क्यूएट ने शेरिल को किडनैप कर लिया था और फिर उसे एक कमरे में कुछ मक्खियों के साथ बंद कर दिया था। और क्यूएट ने एक वेल्ड कुक्ड मीट का पीस रखा हुआ था उस रूम में। अब दिन बीतते गए बट शेरिल ने वो मीट नहीं खाया और वो मीट सड़ता रहा। शेरिल की बॉडी बहुत वीक हो गई और उसके अंदर खाने की कमी हो गई बट उसने वो मीट नहीं खाया। अब जो मक्खियाँ थी रूम में उन्होंने उस मीट के अंदर अपने अंडे दे दिए जिससे उस मीट में पिस्सू पड़ गए और अब शेरिल को रूम में
छः दिन हो गए थे और सातवें दिन शेरिल ने वो सड़ा हुआ मीट ही भूख के मारे खा लिया। और ये सब देखकर स्टेफन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कोएड बोलता है कि टेंशन मत लो, उसने मीट खाने के बाद शेरिल को छोड़ दिया था। बट तभी घर में जोशुआ एंटर करता है जिसके कदमों की आवाज़ सुनकर कोएड स्टेफन के पास से चला जाता है चेक करने के लिए। अब कोएड के जाने के बाद स्टेफन किसी तरह खुद को फ्री कर लेता है। अब स्टेफन, जोशुआ और कोएड घर में अकेले इधर उधर घूम रहे होते हैं एक दूसरे को मारने की तलाश में। स्टेफन किचन से एक चाकू ले आता है, कोएड के पास होती है एक गन और जोशुआ को मिल जाती है वो कुल्हाड़ी। अब स्टेफन को मिलता है कोएड और स्टेफन पे एक अच्छा मौका होता है कोएड को मारने का। बट इससे पहले स्टेफन कोएड को मार पाए, जोशुआ वहां आ जाता है जो उस कुल्हाड़ी से स्टेफन की छाती में मार देता है और स्टेफन की बॉडी से खून निकलने लगता है और वो तड़पने लगता है। अब तभी कोएड जोशुआ के सर में गन से शूट कर देता है जिससे जोशुआ इंस्टेंटली मर जाता है। अब कोएड स्टेफन को मरते हुए देखकर एंजॉय करता है और स्टेफन तड़पता तड़पता मर जाता है। अब कोएड स्टेफन की बॉडी को अपने बेसमेंट में ले जाता है जहां पे उसने शेरिल को कैद कर रखा था। अब कोएड शेरिल को एक चाकू और स्टेफन की बॉडी देता है और बोलता है कि वो उसे जब तक नहीं जाने देगा जब तक वो स्टेफन को खाकर ख़त्म नहीं कर देगी। और फिर कोएड फिर से डोर को लॉक करके वहाँ से चले जाता है और शेरिल अंदर से चिल्लाती है और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन ड्रेड 2009 स्लैशर मूवी की। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।